तो दोस्तों नंबर एनालॉजी का पहला क्वेश्चन आप लोग सुन, ठीक है। नंबर एनालॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है आपको, मैं शॉर्ट ट्रिक से हिसाब से आपको आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों आप लोग तो हमेशा ये गलती करते हैं कि 5 के साथ 20 ऐड कर दें, इंटू कर देंगे तो आपका आ जाएगा 100। सिंपली यहाँ पर 100 है, लेकिन 7 के साथ अगर 20 इंटू कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 140। लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं नहीं है, मतलब ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपको, ठीक है। इसको कैसे करना आपको देखिए हम बता दें, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 5 के साथ स्क्वायर कर दीजिए और 4 इंटू कर देने से आपका आ जाएगा 25 और इंटू 4 100, ये आ गया, ठीक है। और 7 को अगर हम स्क्वायर कर देते, ठीक है, और इंटू यहाँ 4 लिए, यहाँ तो यहाँ पर भी 4 लीजिए, ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 49, ठीक है। और यहाँ 4 लिए तो इंटू कीजिएगा कितना आएगा, देखिए 196 आएगा, 196 देखिए सी नंबर में, तो मतलब ये बिल्कुल एकदम राइट आंसर है, 196 फ्रॉम 196 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या बोला जरा, ठीक है। देखिए आप लोग हमेशा ये भी गलत करते हैं, आप लोग देखते हैं इंटू करके 14 इंटू 8 कर देंगे तो 112 आ जाएगा, ठीक है, ये देखते आ गया। लेकिन 18 के साथ अगर 8 इंटू कीजिएगा तो आ रहा कितना, 144। लेकिन 144 ऑप्शन में है नहीं, तो मतलब ये तरीका आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी इसको आंसर कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूँ, देखिए 14 के साथ अगर इंटू कर दीजिए 4/2 कर दीजिए, मतलब 14 का हाफ ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 1 कर दीजिए तो आपका आएगा कितना, 14 और ये कट जाएगा 7 और प्लस तो 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम 18 का करते हैं, 18 यहाँ हाफ लिए तो सिंपली 18 का हाफ ले लीजिए, यहाँ प्लस 1 यहाँ लिए तो यहाँ ले लीजिए, तो कितना आएगा, 18 इंटू इन दोनों का कट जाएगा 9 और प्लस 1 10, 180 आएगा, 180 ऑप्शन में भी है, मतलब ये तरीका आपका सही हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ 180 होगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो दोस्तों, ये आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जरा, सिंपली आपको एनालॉजी में तो आपको पता ही है स्टैक जाता है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम 12 को, ठीक है, 12 को हम अगर दोनों का अलग करके 1+2 कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 3, और एक 12 का ना यहाँ उतार दीजिए आपको, ठीक है, तो आपका आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा इसका, 36 आएगा, ठीक है। और देखिए 36 यहाँ है, सिंपली ये 14 का अगर हम दोनों का अलग लिखेंगे तो 1+4 इक्वल टू कितना होता है, 5। और यहाँ जैसे 12 को आप इंटू मिलिए वैसे आप 14 को भी इंटू मिलिए, 14 को इंटू मिलने से कितना हो जाएगा आपका, 70 आ जाएगा, 70 देखिए ऑप्शन में भी है, मतलब यहाँ 70 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये, ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी सिंपली आपको इस टाइप का ही लेना है, ठीक है। देखिए कैसे आते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, आप 23 को इन दोनों को ना अलग लिख लीजिए, 2 × 3 कर दीजिए इन दोनों को, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 6। और ये 23 है ना, इसको यहाँ प्लस में लिख लीजिए तो आपका आ जाएगा 29, देखिए है, ठीक है। वैसे आपको 42 का भी करना है, ठीक है, 42 का कैसे कीजिएगा, 4 × 2 यहाँ इंटू लिया तो यहाँ इंटू ले लीजिए, ठीक है ना, दोनों कर दिए कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। और यहाँ जैसे 23 को यहाँ प्लस में लिखें वैसे आप इसको प्लस में ले लीजिए 42 को, तो आ जाएगा आपका 50 आंसर, 50 ऑप्शन में भी है, देखिए सी नंबर में 50 ऑप्शन, मतलब यहाँ 50 आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो दोस्तों, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखिए दोस्तों ये नंबर एनालॉजी थोड़ा अलग है, ठीक है, बाय में दिया हुआ कोई टेंशन नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली इसका मन जो आया है वैसे ही इसका मन भी आने वाला है। देखिए मैं कैसे बताऊँगा, अगर 3/4 को अगर लिख लें तो हम इससे अगर ये 3 को इंटू करते, ठीक है ना, अपने से 3 × ले लेते, ठीक है, और अपने से 2 भी ले लेते, 2 यहाँ से 3 से एक माइनस कीजिएगा 2 होगा, और यहाँ से एक 4 प्लस कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना आएगा, सॉरी यहाँ 3 कर दीजिए और यहाँ 3 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 11 या 15 आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ 3 होगा, ठीक है दोस्तों, सॉरी मैंने 4 लिख दिया इसके लिए सॉरी, ठीक है, यहाँ 3 होगा। वैसे आप इसको भी बनाइए 7/4
फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे थ्री थ्री इंटू किए, इसको भी यहाँ पर थ्री इंटू कर दीजिए, इसको भी यहाँ थ्री इंटू कर दीजिए। और इसका जैसे देखिए, यहाँ थ्री से वन माइनस किए तो टू लिखें, यहाँ फोर से वन माइनस किए तो थ्री लिखें। तो ऐसे सेवन से अगर हम वन माइनस करेंगे तो सिक्स आएगा, और फाइव से वन माइनस करेंगे तो मेरा फोर आएगा। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ, 27 और 15 प्लस, तो आपका आ जाएगा 19। देखिए 9, ये ऑप्शन आपका ए नंबर में। तो सिंपल